और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ा सकती है जो बातें इन्होंने कही हैं। जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान में कहा कि जिस छेड़छाड़ की शिकायत की गई थी उस वक्त बृजभूषण और महिला पहलवान अगल बगल खड़े थे, महिला पहलवान ने धक्का भी दिया, वो कुछ असहज नजर आ रही थी। जगबीर ने पुलिस को यह भी बताया उसने बृजभूषण को धक्का भी दिया, फिर कुछ बोल करके वहां से चली गई। बृजभूषण पहलवानों को गलत तरीके से छू रहे थे, हाथ से छू रहे थे, ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ तो गलत हुआ था, ये इन्होंने बयान दिया। बृजभूषण के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया है और दिल्ली पुलिस ने 2 महिला रेसलर, 1 इंटरनेशनल रेफरी और 1 कोच के बयान भी दर्ज किए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और आपको ये बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह की ये जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती हैं, इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगबीर जी, जो बयान आपने दिया है इससे साफ ये पता चलता है कि इन चीजों को आपने महसूस किया होगा, क्या कुछ आपने देखा महिला पहलवानों के साथ, क्या हुआ, क्या होता था, ये सारी बातें बताइए। देखिए, ये 25 मार्च 2022 की बात है और एक सीनियर एशिया चैंपियनशिप के लिए एक ट्रायल हुई थी जी, जिसकी टीम उलम्बतूर मंगोलिया में जानी थी, सीनियर एशिया चैंपियनशिप वहां होनी थी, तो उसकी ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन होता है, तो फोटो सेशन के लिए सभी को बुलाया गया, तो उसमें प्रेसिडेंट भी था, वो महिला पहलवान भी थी जी। तो जब खड़े होने की बारी आई तो खड़े हो रहे थे तो वो लड़की प्रेसिडेंट के साथ में खड़ी थी, तो उस लड़की को जहां से लड़की को नहीं छूना चाहिए वहां पर प्रेसिडेंट जी ने उस लड़की को वहां पर जब छुआ तो वो लड़की एकदम से छटपटाई और अपने मुंह से कुछ आवाज भी निकाली कि मैं यहां नहीं खड़ी होंगी, ऐसा कुछ, क्योंकि हम थोड़ी सी दूर थे जी। तो हमने वो प्रकरण देखा और वो लड़की वहां से हट करके दूसरी जगह जाकर खड़ी होकर बैठ करके उसने अपना फोटो सेशन पूरा करवाया। जगबीर सिंह, इसके अलावा आपने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ उन महिला पहलवानों के साथ होता था जब वो ट्रैवल करती थी या फिर जिस होटल रूम में वो रुकती थी? देखिए, ये 2000 ये एक घटना 2013 की है जी, कि ये प्रेसिडेंट 2012 में प्रेसिडेंट बने थे और पहली बार ये विदेश में जब गए थे वो जूनियर एशिया चैंपियनशिप थी, कजाकिस्तान अलमाटी की बात है, तो वहाँ पर ये पहलवान जब पदक जीतते थे तो किसी को $100 किसी को $200 इनाम दे रहे थे जी। तो हम बड़े खुश थे कि बड़ा अच्छा प्रेजेंट हमें मिला है और 2012 में जब वहां से कजाकिस्तान से जब टीम आई तो आने के बाद भी उन खिलाड़ियों का, यहाँ एक क्लब है जो नेशनल स्टेडियम के पास में एक क्लब है, वहां पर अच्छा स्वागत भी किया गया था जी। तो हम बड़े खुश थे कि भाई एक अच्छा प्रेजिडेंट मिला है, लेकिन वहां पर सबसे पहले शुरुआत इसने लड़कियों को डॉलर देने की शुरू की थी, तो हमने शाम को इनको कहा कि भाई माँ प्रेसिडेंट साहब आप लड़कियों ने भी पदक जीते हैं, आप लड़कों को भी इनाम दें जी। तो इन्होंने लड़कों को भी इनाम दिया और यहाँ भी पहलवानों के लिए कुछ खर्चे की बादाम की व्यवस्था करवा के अच्छा स्वागत किया, तो सारे जो कुश्ती के आदमी थे वो बड़े खुश थे भाई, बड़े अच्छे प्रेसिडेंट मिले जो पैसे भी खर्चा देते हैं पहलवानों को। तो 2013 में एक घटना घटी जी, जो एक भयानक घटना थी। 2013 में थाईलैंड पुकेट में एक घटना घटी जी, वहां भी जूनियर एशिया चैंपियनशिप थी, तो तब जब चैंपियनशिप खत्म हुई तो देश के पहलवानों का उमदा प्रदर्शन था कि बड़े अच्छे मेडल जीते और लड़के बड़े खुश थे जी।
तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आज शाम को सभी इंडियन खिलाड़ियों को इंडियन फूड का डिनर करवाएंगे जी, क्योंकि थाईलैंड में सी फूड और ऑयली फूड ज्यादा मिलता है जी। तो 5-6 दिन घर से दूर रहने के बाद बच्चे बड़े तंग थे कि भाई यार ऐसा खाना खाना पड़ रहा है, तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भाई ठीक है आपको इंडियन फूड की व्यवस्था करेंगे। आज शाम के 9 बजे तक सभी बच्चे भी और सभी ऑफिसर भी बड़े खुश थे कि भाई बड़े प्रेसिडेंट पले विदेश में भी इंडियन खाना मिलेगा। तो लेकिन शाम का जो प्रकरण देखा हम उससे बड़े दुखी हुए कि ये एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं, एक राक्षस इस कुश्ती का प्रेसिडेंट बन गया। जगबीर सिंह क्योंकि वो दारू, बताइए आप क्या दारू के नशे में था आप लोगों ने वहां पर हर एक बात हर वो चीज, क्योंकि महिला पहलवान इस वक्त प्रोटेस्ट भी कर रही हैं और लगातार अपने साथ हुए आपबीती को वो बता भी रही हैं क्या हुआ, क्योंकि आप आए विटनेस है हर चीज, यहाँ डिटेल से बताइए। मैं जो बता रहा हूँ जो मैंने देखा था वो बता रहा हूँ मैं आपको जी। तो हम बड़े दुखी हुए कि इन्होंने जो खुद और इनके साथी जो थाईलैंड में इनके साथी थे वो सब नशे में थे, और लड़कियों को जहां से नहीं छूना चाहिए वहां से पकड़ पकड़ के, आपने बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ी, आपको किस चीज की जरूरत है, आपको कौन सी वो चाहिए, कोई सप्लीमेंट चाहिए, आपको ट्रैक सूट चाहिए, आपको किस चीज की जरूरत है वो हम देंगे, आप बहुत अच्छे हो, तो इस तरह के बयानबाजी हुई जी। और बच्चियां सभी डरी हुई थी और कुछ बच्चियां तो बगैर खाना खाई वो खाना छोड़ के वापिस अपने रूमों में चली गई। ये 2013 की बात है, और 2014 में एक घटना घटी थी कि देश की एक सुपरस्टार पहलवान जी गीता फोकाट, उसके लिए एक फिजियो दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, वो और उसकी मिसिज लखनऊ कैंप में थे, और लखनऊ में वो एक डेढ़ महीने बाद ही उस फिजियो को वहां से निकाल दिया, क्योंकि उस फिजियो के पास 3-4 लड़कियां आई थी, वो खुद फिजियो ने बताया है, 3-4 लड़कियां उस फिजियो के पास आई थी कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसने जो वहां पे डायरेक्टर थी उसको शिकायत की और मीडिया में भी गए, पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन वो सारी शिकायतें उसकी दबा दी गई और हटा दी उसको शाम को 5:54 पे उसको ऑर्डर दे दिया गया कि आप तुरंत ये हॉस्टल खाली कर दीजिए। वो रात को 10 बजे उस हॉस्टल से निकला। वो तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद सभी स्टाफ और कोच, ये छोटी बच्चियां वो सब डर गई कि वो एक बहुत बड़ी पहलवान थी देश की। बिल्कुल, जो बातें आप बता रहे हैं ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। आज जो बातें आपकी तरफ से रखी गई ना, सिर्फ देश विदेशों में भी कैसा बर्ताव इनके साथ हुआ है, और ये यकीनन इन महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने में हद तक मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जगबीर सिंह जी, हमारे पास वक्त इतना ही था, शुक्रिया आपका जी न्यूज से बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए। जी न्यूज़।